अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी खेसारी के लिए अपना पक्ष रखे, कोई भी खेसारी के लिए कोई बात या प्रतिक्रिया दे, तो खेसारी के कई फैंस ऐसे हैं जो उन्हें गालियों से सम्मानित करते हैं या फिर कह लें कि जो धमकियां देते हैं। प्रियंका पंडित को लगातार गालियां मिलने के बाद ये इल्ज़ाम खेसारी के सिर पर आया कि खेसारी अपने लोगों से सबको गालियां दिलवाते हैं और प्रियंका को भी उन्होंने ही गालियां दिलवाई। इस बात की सफाई देते हुए हाल ही में खेसारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो लोग मेरे लिए किसी को गालियां देते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग गालियां ना दें, हो सके तो गालियों की जगह पर आई लव यू लिख दीजिए, इससे बड़ा जवाब और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की माँ और बहन एक जैसी होती हैं। और रही बात मेरे ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी को नहीं कहता गालियाँ देने के लिए। मेरे दुश्मन 1000 हैं, तो सोच सकते हैं आप लोग कि मेरे चाहने वाले कितने होंगे। वो मेरे हो सकता है वो मेरे बारे में कुछ सुनना पसंद ना करते हों। वेल, जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी ने तो अपने फैंस को ये भी समझाने की कोशिश की है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो इस तरह की 1000 परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग उन बातों की ओर ध्यान ना दें, इग्नोर ना करें, आप लोग सिर्फ मेरी फिल्मों और गानों को ही देखें। अगर आप लोग अश्लील भरे गाने नहीं देखना चाहते तो उस चैनल को, उस गाने को सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए। अश्लीलता दर्शक ही खत्म कर सकते हैं, हम स्टार खत्म नहीं कर सकते, ऐसा कहना है खेसारी लाल का। नेक्स्ट टू 9 न्यूज़, भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।